हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले आपको सूरज टेक कंप्यूटर में आपका स्वागत है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए अब आपको ले चलते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कोई डिजिट लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ हम डिजिट लिखें, रुक जाइए आपको जूम कर देते हैं यहाँ पे, सीट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना हम कोई भी अंक लिखते हैं, ओके, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टेक्स्ट टू वर्ड। अब देखिए जैसे हम लगा रहे हैं ना, तो यहाँ फॉर्मूला सजेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जरा हम देखते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यू शीट इसको फिर से ओपन करना है, एक्सेल को फिर से ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को यहाँ से हम ओपन कर लिए। ठीक है, चलिए अब हमको ना प्रेस करना है इसमें अल्ट एफ इलेवन। जैसे अल्ट एफ इलेवन प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का डिस्प्ले दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ से मॉडल पे क्लिक कर लेना है, और फिर यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। ठीक है, और वो क्या टाइप करना है कोड, वो ज़रा हम आपको बतला देते हैं। देखिए आपको ना कुछ इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा कोड। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये कोड आपको बनाना पड़ेगा, उसी टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, इसको यहाँ से हम मिनिमाइज करके फिर हम ए वाले डिस्प्ले पे आ गए, एक्सेल वाले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको फाइल पे जाना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, फाइल पे जाना है, अब आप सेव कर लो। ठीक है, किसी भी नाम से आप यहाँ से सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या करना है कि यहाँ जो है सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक में इस पे जाना है, आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे आना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, अब आपको कर लेना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब आप इस पे कोई भी आप यहाँ पे डिजिट लिखिए, ठीक है, अंक, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए बराबर, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर टू टेक्स्ट। ठीक है ना, नंबर टू वर्ड, सॉरी नंबर टू वर्ड, जैसे आप एन यू लिखिएगा तो नंबर टू वर्ड आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको सिर्फ ए ले लेना है, यहाँ पे जिस सेल में आपका अंक लिखा हुआ है ब्रैकेट को क्लोज करना है, इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना क्या आ गया, आपका ये आ गया इसके बदले में 405,4564। ठीक है ना, अब ये चीज़ जो मैंने किया अभी, ये अगर आप अपने एक्सेल में करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो कंडीशन बतलाए हैं वो कंडीशन आप लगाओगे तो ये फार्मूला काम करेगा। कौन सा फार्मूला काम करेगा, नम टू वर्ड। अब देखो जैसे आप अगर अपने एक्सेल शीट में अगर इस चीज़ को करोगे तो देखो जैसे बराबर लिख के एन यू एम लिखोगे ना तो आप में ये नम टू वर्ड नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये सभी प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या है, हम स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसको आप लिख कर सेट कर सकते हैं। चलिए हम जो टेक्स्ट आपको सेट करना है उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम ताकि आपको दिख जाए। चलिए ये जो टेक्स्ट है ना इसको आपको लिखना है, इसका हम फॉन्ट छोटा कर देते हैं। ओके,
देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से इंड इफ से, ठीक है, यहां तक आप ले लीजिए फ्लैश तक, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट केस से लेकर इंड सेलेक्ट तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इफ से लेके और लास्ट इंड फंक्शन तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपको क्या करना है, इसको कहाँ पे टाइप करना है, तो आपको ओपन करना है, किस पे आपको ओपन करना है, नोटपैड, और नोटपैड में ये सभी टेक्स्ट को आपको टाइप करना है, ठीक है ना, ये सभी टेक्स्ट को आपको टाइप कर लेना है, और जो सेव टाइप होगा ये नॉर्मल TXT फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशन में इस तरीके से सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है, और एक्सेल ओपन करने के बाद आपको अल्ट के साथ F11 बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आप इंसर्ट पे चले जाइएगा, मॉड्यूल पे चले जाइएगा, और जो आप लिखे हैं उसको कॉपी करके यहाँ पर सेम पेस्ट कर देना है, और इसको सेव कर देना है, बस इतना ही करना है।